आज हम लोग बात करने वाले हैं हिमलैंड के बारे में, क्योंकि हिमलैंड को आजकल बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। सब लोगों के मन में एक जैसा ही क्वेश्चन चल रहा है कि क्या हिमलैंड स्क्रिप्टेड है, क्या फलाना जी होगा लाला है, और क्या हो स्मार्टीफाई हम सबको धोखा दे रहे हैं। तो आज इन सब के चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि क्या ये सच्चाई है, क्या सिम हिमलैंड स्क्रिप्टेड है या फिर क्या बात है। तो हिमलैंड को आजकल जो हेट मिल रही है उन सबका सबसे बड़ा रीजन है ये वाली। क्यों लिख रहे हो यार नीचे वाला, मैं अपने आप से दिखूंगा, अभी लंच वाला होगा ना। ये लोड़े, ये लोड़े ओवरले कर देना ये लोड़ा किधर गए। जल्दी आना यार, टाइम नहीं है। क्लिप एसजीओ भाई की बस एक गलती की वजह से हिमलैंड को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। और इसी के साथ साथ स्मार्टीफाई की ये वाली क्लिप भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। इस वाली क्लिप की वजह से भी हिमलैंड को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है एंड स्मार्टीफाई को भी बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। और तो और सब लोग बोल रहे हैं कि हिमलैंड स्क्रिप्टेड है, सब गालियाँ दे रहे हैं स्मार्टीफाई के कमेंट्स में, मैंने बहुत ज्यादा देखा है एंड बहुत कुछ बोल रहे हैं। लेकिन भाई मेरे को एक बात बताओ, आप लोग अगर कोई मूवी देखते हो उसमें जो हीरो होता है क्लाइमैक्स के टाइम में वो 15-20 लोगों को अकेले ही मार देता है, विच इज़ नॉट रियल, वो एकदम भी सच्चाई नहीं होती, वो सबको पता है वो कि स्क्रिप्टेड है, लेकिन फिर भी उसको कोई हेट नहीं देता। लेकिन वही सेम चीज़ अगर कोई यूट्यूबर करता है, कोई गेमर करता है या फिर कोई माइनक्राफ्ट प्लेयर करता है तो सब लोग उसको हेट देने लग जाते हैं। पर क्यों भाई, जब उसको तुम लोग मनोरंजन की तरह देखते हो तो इसको भी उस तरह से ले ना यार, क्यों हेट फैला रहे हो भाई। जो बंदा तुमको इतने सालों से एंटरटेनमेंट करता आया है, इतने सालों से तुम्हारा मतलब मज़ा देते आया है, इतने अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स बनाते आया है, तुम लोग एक ही पल में उसको हेट देना शुरू कर देते हो, क्यों भाई। भाई उन्होंने ये स्क्रिप्टेड जो हिमलैंड मतलब उन्होंने जो हिमलैंड बनाया है वो किसके लिए बनाया है, हम लोगों के लिए बनाया है ना, हम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है, तो उसको उसी एंटरटेन पर्पज़ में लो ना भाई, क्यों हेट दे रहे हो। मुझे पता है जब होका लाला आया था तो सब लोगों को ऐसा लगा था कि ये सच में कोई एक एंटिटी है जो सचमुच में एग्जिस्ट करता है हिमलैंड में, सब लोगों को ये रियल लगने लगा था, सब लोग इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे, बहुत ज़्यादा भावना के साथ जुड़ गए थे। लेकिन फिर भी यार ये स्क्रिप्टेड है ये जानने के बाद इतना ज़्यादा हेट देने की ज़रूरत क्या है यार, मतलब इसको ज़्यादा नॉर्मली लो ना, ठीक है ना। और आजकल सभी लोग बोलने लगे हैं कि हिमलैंड अभी पहले जैसा नहीं रहा, बदल चुका है। भाई ऐसा कौन बोलने लगा भाई, एक ऐसा टाइम फिर से आएगा जब हिमलैंड ट्रेंडिंग में चलेगा और सब लोगों के होश उड़े रहेंगे, हर एक एपिसोड के लिए सब लोग वेट करेंगे एंड भाई कितने सारी बातें चलेंगी, तब देखेंगे कि भाई कौन हेट कर रहा है। आजकल के तो ये जब हेट वाली कमेंट्स जो लिख रहे हैं ना, वही सब लोग ऐसी ऐसी अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे कि देखते रह जाएंगे सब लोग। चलो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।